राजधानी भोपाल में सीएम हाउस के पास मानस भवन के बाहर तीन बदमाशों ने एक छात्र को थप्पड़ जड़े हैं और उसका मोबाइल छीना है। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से लूट का मोबाइल बाइक जब्त की है। तीनों बदमाश श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र के पुराने अपराधी हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ शहर के थानों में 15-15 अपराध दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा है। एक प्रकरण में जो आरोपी पकड़ा गया था, जो मारपीट का प्रकरण था, उसके प्रकरण में पूछताछ के दौरान आरोपी के पास से एक मोबाइल फ़ोन भी मिला। पूछताछ करने पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि उसका मालिक कौन है। उसको बुलाकर जब पूछताछ करी गई तो ये सामने आया कि जो आरोपी है मुख्य प्रकरण का, उसके द्वारा ये मोबाइल उसे छीना गया था और उस पर थाने में प्रकरण कायम किया गया है, मोबाइल की जब्ती की गई है।